हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे डिलीवरी के बाद, स्पेशली ऑपरेशन के बाद औरतों के मन में सबसे पहले उठने वाला जो सवाल होता है वो है कि हमारा वेट लॉस कैसे होगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं हैं अच्छा खासा 11 से 15 किलो का वेट गेन कर लेती हैं और डिलीवरी के बाद अक्सर ही ये वेट कुछ ना कुछ रह जाता है। तो सबसे पहला तो एक ऑपरेशन हुआ है, कुछ करना है कि नहीं करना है, एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है, अब वेट लॉस कैसे होगा। तो ये जो आपका वेट गेन है, अगर ये प्रेगनेंसी की वजह से है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हो अगर टोटल अपना पूरा, तो आपका वेट लॉस ऐसे ही होने लगता है। लेकिन कुछ महिलाएं जो हैं वो काफ़ी फैटी चीज़ें लेने लगती हैं, उनके दिमाग में रहता है कि जितना ज़्यादा मैं खाऊंगी उतना ज़्यादा दूध बनेगा और उतना मेरे बेबी को न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ फैटी खाने से आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। आपको हेल्दी डाइट लेना है, प्रोटीन रिच डाइट लेना है और सबसे बड़ी चीज़ है कि फ़िट एंड एक्टिव रहना है। कुछ महिलाएं जो हैं हमेशा मतलब बेड पे पड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा चलने फिरने में भी उन्हें डर लगता है कि कहीं मेरा टाका तो नहीं टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का वॉकिंग करने से आपके टाकों पे कुछ ऐसा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपको थोड़ा बहुत एक्टिव रहना है, अपना काम एटलीस्ट अपना जो काम है ये तो थोड़ा बहुत आपको करना है। सीजेरियन सेक्शन के तुरंत बाद आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो ऊपर के टाके हैं वो तो 7 से 8 दिन में हील हो जाते हैं, लेकिन अंदर वाले जो टाके हैं उनको हील होने में काफ़ी समय लगता है। तो आप इस समय जो शुरू के 1-1.5 महीने हैं अपनी डाइट से अपने आप को एक्टिव रख के काफ़ी ज़्यादा अपना वेट मैनेजमेंट कर सकते हो। 1.5 महीने के बाद आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गया, वॉकिंग हो गया, ये सब कर सकते हो। लेकिन कोई भी ऐसा एक्सरसाइज आपको नहीं करना है जिससे आपके एब्डोमिनल एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े और आपको परेशानी हो। 6 महीने के बाद आप प्रॉपर जिम ज्वाइन कर सकते हो और किसी भी अच्छे ट्रेनर के अंडर में आप एक्सरसाइजेज भी कर सकते हो, जिससे आपको आगे वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।